तभी हमारा लेटेस्ट स्टेटस जब अब नहीं आएगा, हम यहाँ पे साल हो दो साल भी हम यहाँ पे बैठेगा। तागेट सोरेंग और तमे बगंग जी को तारू हाई का साथ में बेच देने के लिए हमने डीसी का पैर पकड़ के गिर गिराए, तो बीबी डीसी नहीं माना। तब तो उसी समय तागेट सोरेंग का और तमे बगंग दोनों में से एक को भी बेच देता, उसी समय हमारे भैया को जिंदा भी मिलता, या इनकेस कुछ भी हो गया होगा तो कैजुअलिटी में भी मिलता, यानी कि मर जाता है बोलने से भी हमें डेड बॉडी मिल जाता है, या तो तब हैपन कुछ भी जैसे पीएलए इशू होता तो भी हमें कुछ क्लू मिल जाता। आज जो भी है जैसे भी है, हमारा ये हालत का कारण नंबर वन डीसी सेपा है। ये लास्ट फ्राइडे को सीएम का वहाँ पे हमने अपना ग्रेवेंसेस को लेके गए थे, तो हमारा परिवार पूरा गए थे, तो हमने वहाँ पे सीएम सर को मिलने गया, फिर सीएम सर को नहीं मिल पाया, तो इसमें ऐसे तो एक दो दिन में तो नहीं मिल पाएगा होगा, लेकिन आगे में भी हमने सुना था हमारा अरुणाचल कुछ मदर ट्रस्ट का ओर से हम अपॉइंटमेंट ले देने के लिए कोशिश की, तो उन्हें भी उसमें भी अपॉइंटमेंट नहीं मिले, तो इसके बाद हमने गया, फिर हम परिवार पूरा गया था, फिर नहीं मिला। फिर हमने उसी दिन आप लोग मीडिया को मैंने उसी दिन जो बताया था कि चलो फ्राइडे है, सैटरडे संडे को तो नॉन वर्किंग डे है, फिर मंडे को हमने कुछ कवर मिल जाएगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलना नहीं मिलना या पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स कुछ कवर मिल जाएगा बोल के वेटिंग करके बैठा था, लेकिन आज एक बजे तक रुका है, कुछ भी कवर नहीं मिला। उसमें ऑफिस में मेरा पूरा ये मोबाइल नंबर पूरा दे के रखा था, जीमेल आईडी पूरा दे के रखा था, फिर उसमें आज कुछ भी कवर नहीं मिला। तो हम मंडे को आप लोगों को बताया था कि अगर आज फ्राइडे को आप लास्ट फ्राइडे को आप लोग को मीडिया को मैंने बताया था कि हमने जो मंडे को कुछ भी रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का तरफ से या हमारा सीएम का तरफ से कुछ नहीं मिलते, तो हमने डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ऑफिस में हम खुद वहाँ पे हमारा भैया तपी मरा और निकुदाऊ बाई को वहाँ पे वेटिंग कर लेगा डिपार्टमेंट के तरफ से, जैसे ऑर्डर दे के भेजा यहाँ से वैसे कब वापस बुला देगा, वापस ला देगा। वही हमने उधर वेटिंग करने के लिए बोला था, लेकिन बीच में हम कुछ ये भी सोचा कि हम आज का दौर में कानून को जानते हुए हम कानून को वॉयलेशन भी नहीं करना है बोल के हम सुबह डीसी हमारा कैपिटल डीसी को इंटीमेशन देने गया था। हमने अपना ग्रेवेंसेस के साथ जो हमारा जो मुद्दा क्या था इसको लेके हमने ये करने गया था और इंटीमेशन देने गया था, तो डीसी सर का ओर से हमने डायरेक्टर ऑफिस में मना किया, परांडो डायरेक्टर ऑफिस में मना किया, वहाँ पर नहीं होगा, अगर आपका धरना भी ना हो वेटिंग भी करना हो आप टेनिस कोर्ट या आईजी पार्क में चले जाओ बोल के हमने इस प्रकार का ऑर्डर दिया, तो इसलिए हमने कानून को मानते हुए सरकार का आदेश को मानते हुए हमने यहाँ आया। फिर हमारे यहाँ आने के मतलब ये नहीं कि हम किसी का खिलाफ किसी का अगेंस्ट ऐसा नहीं है, हम सिर्फ हमारा तपी मरा आप लोग दे रहा था, हमारा तपी मरा और निकुदाऊ को जस्टिस मिलना है, लेकिन हम भी ये चाहता है कि हमारा भाई एग्जैक्ट क्या हुआ है, तो एग्जैक्ट क्या हुआ है मतलब हमको जिस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर मोमेंट ऑर्डर देके इस पिटीशन में मोमेंट ऑर्डर देके हमारा भाई को माउंट कैरी सतम में भेजा, तो हमने देखा है कि ये लास्ट थर्ड पोर्ट अटेम्प है इसका, डिफरेंट एक्सपीडिशन पोर्ट थर्ड पोर्ट टाइम है, तो हमने 2021 एक्सपीडिशन का रिपोर्ट ऑर्डर को भी अभी ऑब्टेन कर लिया मिल गया, तो 2021 का ऑर्डर में ऐसे लिखा है कि एक्सपीडिशन खत्म होने के साथ साथ उसमें टाइम पीरियड दिया गया है, इतना समय को आ जाओ बोल के डेड लाइन दिया गया है, फिर इस बार का एक्सपीडिशन में ऐसे डेड लाइन कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ मोमेंट ऑर्डर सिर्फ दिया है, तो वो मोमेंट ऑर्डर दे के गवर्नमेंट भेजा है, तो हमें तो पता नहीं था कि जिस दिन हमने ये जो सर्च ऑपरेशन जब शुरू हुआ था तब से सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले से हमने सेपा पहुंचे थे और शुरू खत्म होने के बाद सेपा से आया, हर मिनट हर पल हर वक्त डीसी सेपा के साथ में था, डीसी इस कामिंग के साथ में थे, तो डीसी इस कामिंग ने हमारा बात को निग्लिजेंस करने के कारण आज हमें तपीमरा और निकुदाऊ को कुछ ढूंढने में सफल नहीं हुआ, उसको कुछ भी क्लू मिलने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन डीसी का रेस्क्यू ऑपरेशन को हम सेटिस्फाइड नहीं होने के कारण हमारा फैमिली रेस्क्यू ऑपरेशन हमने खुद लॉन्च किया, तो हमारा फैमिली रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जैसे तागेट सोरेंग जैसे तारू हाई जैसे तनिंग बात है जैसे तना लोई का अंडर में बीच में हमारे फिर हमारा खुद का भाई है MBBS डॉक्टर है तपी मरा का खुद भाई है तदी मरा,
कूद जाके वहाँ पे जाके जहाँ पे उन्होंने 1 तारीख से 20 तारीख तक लगा उस जगह में हमारा टीम 7 या 8 दिन में पहुँच के, जैसे केम 1 से उन्होंने केम 2 जाने के लिए इतना समय लगा, हमारा टीम ने केम 1 से डायरेक्ट जाके केम 3 जाके हमारा भैया का जो भी सामान है घर से लेके गया, इनको वापस लेके आया। फिर वो सामान वापस लेके आने के बाद हम भैया का मिसिंग से भी ज़्यादा दुख हो गया। क्यों बोलने से ये एग्जैक्टली बात ऐसा है, 2 DC सेपा इज कमिंग, हमारा फैमिली मेम्बर का बात को सुन के उसी समय जो सेम टाइम पर जिस समय आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसी समय जैसे हमने जैसे रिक्वेस्ट किया फैमिली मेम्बर ने कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोशिश किया, रिक्वेस्ट किया तो जैसे तागेत सोरेंग और तम बगंग जी को तारू हाई का साथ में भेज देने के लिए हमने डीसी का पैर पकड़ के गिर गिराए तो भी डीसी नहीं माना। तब उसी समय तागेत सोरेंग का और तम बगंग दोनों में से एक को भी भेज देता उसी समय हमारे भैया को जिंदा भी मिलता या इन केस कुछ भी हो गया होगा तो कैजुअलिटी में भी मिलता, यानी कि मर जाता है बोलने से भी हमें डेड बॉडी मिल जाता है, या तो तब हैपन कुछ भी जैसे PLA इशू होता तो भी हमें कुछ क्लू मिल जाता। आज जो भी है जैसे भी है हमारा ये हालत का कारण नंबर 1 DC सेपा है, इसलिए मैंने DC सेपा को ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को ये रिक्वेस्ट की थी कि CM सर का मैं ये ग्रीवेंसेस इसलिए रखा था कि डीसी सेपा को कुछ इंक्वायरी कमिटी बता, हाई पावर इंक्वायरी कमिटी बता के इसको कुछ एक्शन लिया जाए अगर ऐसा कुछ चीज़ मिला है तो। डीसी सेपा तो हमेशा बोलता है हम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन से काम कर रहा है, हम कभी अपना हिसाब से नहीं कर रहा है, जितना भी किसी को भी भेजो जहाँ से भी रिक्यूजेशन लो हम स्टेट गवर्नमेंट के आदेश से कर रहा है, हम अपना ऑन टैक्स में कुछ भी नहीं कर रहा है बोल के बताया था। तभी भी हम विश्वास नहीं था क्योंकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा तापी मारा जैसे रिनोन पर्सन वो अरुणाचल का तापी मारा है, देश का तापी मारा है, सिर्फ हमारा फैमिली का तापी मारा नहीं, वो जैसे क्यारी सतम जैसे माउंटेन को वो एक्सप्लोर करने गया है, हमारा गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि ओ कभी दारी उधर मिसिंग हो जाओ, ये नहीं चाहेगा, हमने डीसी का बात को विश्वास नहीं था। लेकिन अभी गवर्नमेंट को ये बात को हम गवर्नमेंट के पास हमारा CM सर का पास प्लेस करने के लिए कोशिश किया, अब तक रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन तो हुआ है, 4 दिन सप्ताह और 5-6 दिन में देखता है क्या होता है, रिप्लाई आता है कि नहीं है, वो चीज़ को हमने बताने के लिए डिटेल्स को लेके दिया, डीसी का गलत कहाँ पर हुआ है और डिटेल्स को मैंने दिया। डीसी का गलत नंबर 1 हमने यहाँ से 3 मेंबर खांसी ओके गला भी ठीक नहीं, अभी 3 मेंबर तारू हाई तागेत सोरेंग तम बगंग को भेजने के लिए हमने 15 मेंबर के साथ 15 पोत्र के साथ जब डे 1 में भेज रहा था या 30 या 31 सितंबर को अगस्त को जब भेज रहा था तभी भी मना किया डीसी ने मना किया। सेकेंड तो हम लोग तभी वो आर्मी में बुलाया फोर्स ज़्यादा डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने से भी डीसी चलो डीसी का बात मान के हमने उनको आर्मी के साथ भेजा तो बपरिया बंग से वापस लौट के आया। जब वापस लौटते समय में भी तागेत और ये तागेत सोरेंग और तम बगंग ने बोला हम लोग निकल जाएगा 8-9 तारीख तक तो वेदर रिपोर्ट तो मिल अपडेट कर रही है तो ये हो जाएगा सही हो जाएगा वेदर सही हो जाएगा उसी समय आप आर्मी को भेजना हम लोग निकल जाएगा बोला तब भी वापस कॉल बैक किया डीसी। आर्मी तो मना था आप लोग जा सकता है तो जाओ बोला है लेकिन डीसी मना किया, डीसी ऐसे बोला जैसे आर्मी को लेके गया ऐसे वापस लेके आओ नहीं तो आर्मी कुछ भी होता है बोलने से तम बगंग और तागेत सोरेंग का रेक्स होगा बोल के उन्होंने डराने के बाद वापस लेके आया। हाँ तो सेकेंड पॉइंट और थर्ड रीजन नंबर 3 जो हमने उसी बात हेलीकॉप्टर जो तब हम लोग हेलीकॉप्टर प्लान था हेलीकॉप्टर से भेजने के प्लान था जब हेलीकॉप्टर से हम लोग भेज रहा था तब ने हमने इसका डीसी को घेर घेरा के पैर पकड़ के रोवा रिटर्न में भी लिखा और रिकॉर्ड मेरा पास में है तो डीसी एक्सेप्ट नहीं किया तो हमने रिक्वेस्ट किया डीसी सर हमारा ऑल अरुणाचल का माउंट एवरेस्ट में जितना सबमिट कर किया वाला पर्सन यहाँ पे आया हुआ है सब आया हुआ है और माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस पर्सन भी बहुत आया यहाँ पे सारा अरुणाचल का माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट टीम यहाँ पे आया है इसको आर्मी के साथ ज्वाइन ऑपरेशन में भेज दीजिए। हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया तो डीसी सर ने नहीं माना उसको भी बिल्कुल नहीं माना वो बात को भी निग्लिजेंस किया। तब डीसी साहब मिसामारी बाग के वहाँ से ऑपरेशन वहाँ से किया हेलीकॉप्टर वहाँ से एंड्रक किया आर्मी को हमारा माउंटेनियरिंग टीम उधर पूरा ऑफिस में रुक रुक के तो नहीं भेज पाया
तो वहाँ पे फिर वहाँ से मिसामारी से आने के बाद फिर 14 तारीख को फिर लास्ट हेलीकॉप्टर जो एंटर किया था रेस्क्यू ऑपरेशन टीम से, उसमें से तका तमोट और किसान तकसंग दोनों को एंटर किया था। तब भी हमको आगे पता चल गया था कि वो दोनों का नंबर आया है। तो इसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तका तमोट भाई किसान तकसंग भाई कुछ काम नहीं कर सकेगा, ये नहीं बोला है। लेकिन तका तमोट और किसान तकसंग भाई के साथ में तागेत सोरेन को भेज दीजिए। तागेत नहीं जाने, तमेश बाग नहीं जा पाने से भी तागेत सोरेन को सिंगल पार्ट पीस को उधर भेज दीजिए, क्योंकि तागेत वहाँ का लोकेशन को पूरा पता है। ये जितना अभी लोकेट किया है तो हमने ये जहाँ से अभी जहाँ पे हैपन हुआ है, जहाँ पे कैंप 3 मिला है, वो एरिया को हमने लोकेट करके डीसी को दिया था। ना वो जगह क्यारी सतम इलाका में ना आर्मी को पता था, ना डीसी को पता था, वो रूट बिल्कुल पता नहीं था। वो क्यारी सतम माउंट चूमू को नाम से है और करा दादी नेगी कनसंग का नाम में है। आर्मी ने डीसी ऑफिस में जाके नेगी कनसंग से ढूंढ रहा था और रूट, लेकिन हमने मेरा भैया तपी मरा जी ने लास्ट ईयर 2021 एक्सपीडिशन में वहाँ पे जीपीएस रीडिंग करके रखा था बोल के, इस बार भी रूट मदद मिला है। तो इसलिए हमने बोला था कि तागेत सोरेन वहाँ का पूरा डिटेल्स पता है, तागेत सोरेन को भेज दीजिए बोला है। तो डीसी ने हमको बोला है तेरा तागेत सोरेन और तम सुपरमैन है क्या, उसको क्यों भेजूँ? ऐसे बोलने के बावजूद मेरा तो पूरा मुँह बंद हो गया था, हम तो रोने के अलावा मेरा पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। उसी समय हमने सेपा का हर सोसाइटी का इस कमिंग गरीब रिप्रेजेंटेटिव को हम मिलने के लिए कोशिश किया, ढूंढने के लिए कोशिश किया, चलो डीसी को कुछ बात इस बात को कन्विंस कर दे ये तागेत सोरेन को भेजने में, लेकिन हमने किसी को भी नहीं मिला उसी समय। फिर हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया, अगर सर ऐसा है तो आप क्लास हेलीकॉप्टर तो एंडर कर लिया, जो माउंटेनियरिंग दोनों को भेज दिया, अब तो और नहीं भेजेगा बोला। अभी ऐसा है तो तागेत सोरेन को ले जाके हमारा टीम, हम जैसे लास्ट ईयर मेरा भैया का जो गाइड था पुरुष पोतर था चाकब अकली बोल के, भैया का बहुत अच्छा गाइड था, विश्वास गाइड था, उसको हम लेके चार पोतर के साथ हमने पैदल निकल जाएगा बोला है। तो अभी डीसी नहीं मना, तो दिन को देखा है तो दिन 12 बजे के बाद एक ऑर्डर निकलता है डीसी से, ऑर्डर निकलता है तो चाकब अकली सांबर अकली करव्या वालों और काती दाऊ को आगे भेज देता है आर्मी की मदद के लिए। वो मूवमेंट कर चुका है बोल के ऑर्डर लगा दिया। वो ऑर्डर को देख के हम फिर डीसी ऑफिस में आते हैं, अरे सर ये क्या हो गया, इसको तो हम फैमिली मेंबर लेके जाना था आपका, वहाँ में जो ढूंढना है ढूंढते रहिए, हम लोग भी पैदल आके ढूंढते रहेगा बोला है। तो हमको गेट आउट बाहर कर दिया। तो इसी रात को हम शाम को ऐसे समय को शाम को प्रेस ब्रीफिंग करता है, देखा है तो 144 लगा दिया, 144 लादा सभा कनेबा। हमारा इस एक्सपीडिशन का क्यारी सतम जाने के लिए एक्चुअली सभा सर्कल का अंदर पे होता है, फिर लादा से भी जा सकता है, फिर केनेबा से भी जा सकता है, रूट जा सकता है। और जहाँ पे तीनों रूट हमने जाना था इनको पूरा 144 लगा दिया। इसमें क्लियर लिखा है कि उसमें स्पेसिफाई किया है वन एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं करना है, रेस्ट ITBP और आर्मी को छोड़ के। और रीजन क्या लिखा है, वहाँ पे 2 सप्ताह से बारिश हो रहा है तो उसमें हैवी रेनफॉल के वजह ह्यूमन लाइफ को डेंजर है। इसमें हम लोग फैमिली मेंबर सर्च ऑपरेशन में जाने के लिए ह्यूमन लाइफ डेंजर था, जो ITBP आर्मी का लाइफ ह्यूमन लाइफ नहीं था, वो क्या लाइफ था? हम ये सब का सवाल का जवाब चाहिए अभी भी हुई है। हम इसलिए इधर बताए कि हमको सबसे पहले डीसी इस कमिंग का जवाब चाहिए, और जवाब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसको कुछ जवाब देने दीजिए। हम गवर्नमेंट को भी वही रिक्वेस्ट है, आज हम गवर्नमेंट करा नहीं बोल रहा है, गवर्नमेंट CM सर हम लोग को 23 को मिला था, 23 सितंबर को मिला था, तो उसमें CM बहुत दयालु था हम लोग से, हम लोग परिवार को बहुत दयालु लगा था, हमको बहुत पॉजिटिव था। हेलीकॉप्टर भी देने के लिए बोला, सेक्रेटरी स्पोर्ट, सेक्रेटरी सिविल एवियशन, सेक्रेटरी ये डायरेक्टर डिसेस्टर मैनेजमेंट वो सब था, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से लेके सबको बोला है अब भी इसी वक्त आर्मी से रिक्विजिशन ले लो बोल के ऑर्डर दिया है। तो CM सर का तरफ से तो उतना नहीं बोलेगा, तो उतना बोलना तो काफ़ी है ना हमारे लिए, लेकिन हम ये अभी पूछना चाह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी भरा है ना, DC भरा है ना, CM सर भरा है, जो जिसको ऑर्डर दिया है आर्मी का चॉपर को अभी रिक्विजिशन के लिए अभी भेज दो बोल के हम लोगों सामने में बोला है। तपी मरा जैसे के लिए हेलीकॉप्टर बहुत छोटा है, हम लोग जब सेकेंड रिक्वेस्ट करने गए थे फैमिली टीम के लिए, तो उसको हमको हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन कर देने में इतना समय किस लिए नहीं कर दिया, क्यों नहीं कर दिया? CM सर को तो हम बुरा नहीं मानता है, क्यों बोलने से CM सर का तरफ से तो ऑर्डर हमारे सामने में परिवार का सामने, उसमें तागेन कल्चरल सोसाइटी भी विटनेस है सबका सामने में
उन्होंने कमेंट्स कर दिया है अभी कोशिश कर दो बोल के, अभी करो बोल के बोल दिया था, लेकिन बीच में कौन है रुकाने वाला? अरुणाचल में और सीएम सार और बड़ा वाला है क्या? बात नहीं मानने वाला और कोई है क्या? जब आप सवाल इसमें है, हमारा गवर्नमेंट और हमारा बीच में कोई पर्दा डाल रहा है और ये सच्चाई क्या है, हम इसको जानना चाहता है। हाँ, आप लोग कोई कंफ्यूज में रहता होगा कि गवर्नमेंट का ऊपर सवाल कर रहा है, हम गवर्नमेंट का ऊपर मीन्स हम कंसर्न डिपार्टमेंट का ऊपर सवाल कर रहा है, डीसी इज कमिंग का ऊपर सवाल कर रहा है, बाकी को हमारा कुछ किसी को भी ना कुछ दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई हम राजनेता है, ना कोई हम सेलिब्रिटी है, हम सिर्फ मजबूरी फैमिली है। आज मजबूरी फैमिली का इतना तक गिर गिरा के सवाल करने वाला को जवाब देना तो जायज है कि नहीं है? आप लोग सब मीडिया वाला भी आप लोग को एक्सपीरियंस है, आप लोग भी सोचिए। और डायरेक्टर नहीं, आप डायरेक्टर को क्यों बोल रहा है? डायरेक्टर को डिपार्टमेंट को क्यों बोल रहा है? दूसरा सवाल, डिपार्टमेंट को इसलिए कि डिपार्टमेंट जैसे ऑर्डर देता है, हमको पता नहीं मोमेंट ऑर्डर देके भेजा है बोल के पता नहीं था, हम मिसिंग होने के बाद पता चला है, वो भी मिसिंग होने के बाद कब पता चला है? जैसे हमारा कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर सेपा में एक प्रेस ब्रीफिंग किया था डीसी ऑफिस में, लगभग पोर्टेन या तारतेन का पोर्टेन में था वो, उसमें वो डीसी ऑफिस अंदर में था, हम बाहर में था, हम बाहर में रोके बैठ रहा था, उसी समय उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट मना किया था, वो अपना ओन डेस्क में गया है बोल के बताया था, और दूसरा बात डीसी सेपा को इंटीमेशन नहीं दिया है बोल के, तब से हम चौंक गया था कि अरे अपना ओन गवर्नमेंट को नहीं बता के गया है क्या? तब हम दुमना शुरू किया, हमको मोमेंट ऑर्डर मिला और सेपा के केनेबा सीओ से हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जीबी चाचो लंगचू को गार्ड के लिए भेजा। अगर ऐसे ही भेज के गवर्नमेंट अब तक क्यों डिपार्टमेंट हमको क्यों अब तक अपडेट नहीं है? आप सोचिए, अब डिपार्टमेंट का एक एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर डायरेक्टर ऑफिस से मिसिंग आए ऑर्डर के साथ, तो इसको डायरेक्टर ऑफिस डायरेक्टर से यूथ अफेयर्स को अपडेट करना इसका ड्यूटी है कि नहीं, आप लोग बताइए। डायरेक्टर यूथ अफेयर्स इसको गवर्नमेंट को उन्होंने बोलना चाहिए, उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट उनको देना चाहिए, गवर्नमेंट को डायरेक्टर बोलना चाहिए, डायरेक्टर अपडेट करना चाहिए, हम सिर्फ फैमिली मेंबर सिर्फ उसको डायरेक्टर से अपडेट लेना चाहिए। अब तक हम डायरेक्टर का मुँह भी नहीं देखा, ऑफिस में चार बार गया नहीं मिला, इसलिए आज का बात हुई है कि हम जब तक डायरेक्टर डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स से कुछ भी हमारा पास जवाब नहीं आएगा, तभी हमारा लेटेस्ट स्टेटस जवाब नहीं आएगा, हम यहाँ पे साल हो दो साल भी हम यहाँ पे बैठेगा। हाँ, ये सेकेंड हम जो ये बात सेकेंड जो हमने सेकेंड हमारा फैमिली रेस्क्यू जो लंच हो रहा था उसी समय का बात है, हम जो एलिगेशन डाल रहा है आगे का बात है। हाँ, ये सेकेंड जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा फैमिली मेंबर के लिए बेस कैंप में हम इंडक्ट करने की रिक्वेस्ट की थी उसका बात है, जो सीएम का अभी जो बात, अगर इसमें गवर्नमेंट का तरफ से रिटर्न रिक्यूजेशन के लिए नहीं भेजा है तो हम गलती गवर्नमेंट का माना जाएगा, क्योंकि हम नेगलिजेंस गवर्नमेंट का माना जाएगा, हम डीसी को नहीं बोलेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। अगर डीसी के तरफ से डिले है तो डीसी को माना जाएगा, या तो गवर्नमेंट से डीसी को रिटर्न में नहीं दिया है तो हम डीसी को ये बात में हम डीसी को एलिगेशन नहीं डाल सकता है। हम जो एलिगेशन डाल रहा है फर्स्ट सर्च एंड ऑपरेशन का बोल रहा है, अभी सेकेंड का नहीं है, सेकेंड में हम डीसी को ना ताल्लुक कुछ रिलेटेड था डीसी से करेस्पोंडेंस से कुछ भी नहीं, हम सिर्फ सिविल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से सिर्फ डिसेस्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी से सिर्फ उससे अपडेट ले रहा था।